हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों को देखते हुए अपनी वीजा नीति में कुछ बदलाव किया है। इस बदलाव का मकसद अफगानिस्तान में फंसे लोगों की मदद करना है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई इमरजेंसी एक्स माइस वीजा कैटेगरी की शुरुआत की है। ये कैटेगरी खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना चाहते हैं। इसराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अपने पद की शपथ ली। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। नफ्ताली बेनेट की नियुक्ति के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। इससे पहले रविवार को यानी 15 अगस्त को नफ्ताली बेनेट ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी। आंतरिक पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करवाने जा रही है। इस काम के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। ये अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेंगे। इसके आधार पर सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए अपनी नीति और कार्य योजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। देश की आजादी के 75वें साल में प्रवेश के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो आत्मनिरीक्षण करें कि आजादी का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा है कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को रौंदा जा रहा हो तो चुप रहना पाप है। अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत की अध्यक्षता में एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSCC की बैठक हुई। ये पिछले 10 दिनों में अफगानिस्तान के हालात पर दूसरी बार बैठक की थी, जिसमें भारत के साथ तमाम देशों ने अपनी चिंताओं को सामने रखा और तालिबान से अपील की है कि वो हिंसा को छोड़कर राजनीतिक सहमति के जरिए वहाँ हालात को सामान्य करने की कोशिश करे। भारत ने UNSCC से कहा है कि उसकी अगुवाई में अफगानिस्तान में शांति बहाली करने के लिए कोशिश की जाए। अफगानिस्तान के खराब होते हालातों को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ग्रीस में इसे लेकर अफगानियों ने अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान को बीच मजधर में छोड़ दिया गया है। इन लोगों ने हाथों में बैनर लिए हुए थे जिन पर तालिबान के खात्मे की बात हुई थी। भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित वापस लाने के लिए कमर कस ली है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात बहुत तेजी से खराब होते जा रहे हैं। दुनिया के अमेरिका के साथ तो दूसरे देशों की तरह भारत ने भी वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने का अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान करीब एक भारतीय राजदूत के साथ 120 से अधिक भारतीय अधिकारियों को लेकर काबुल से उड़ान भरी है। कर्मचारियों को कल देर शाम हवाई अड्डे के सुरक्षित इलाकों में सुरक्षित पहुँचा दिया गया था। देश में कोयले की कीमतों में तेजी आ सकती है। सरकार कंपनी कोल इंडियन लिमिटेड ने इसके संकेत दिए हैं। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक दिनेश प्रमोद अग्रवाल ने कहा है कि कोयले की कीमत बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसा करना पड़ेगा। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा कर रही है और सामान्य तौर पर हर कोई इसे लेकर सहमत है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और जल्द ही ये आतंकी संगठन वहां अपनी सरकार भी बनाने जा रही है। ये भी तय है कि पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान काबुल का शासन फिर हथियाने में कामयाब नहीं हो पाता। इसके बावजूद तालिबान जिस तरह से अपने स्वरूप में परिवर्तन मजबूत हुआ है, उसे देखते हुए कई जानकार मान रहे हैं कि आगे चलकर ये संगठन पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ईरान से लगती सीमा पर तुर्की की ओर से दीवार का निर्माण हो रहा है। दरअसल तुर्की अपनी सीमा में अफगानिस्तान के शरणार्थियों को प्रवेश नहीं देना चाहता है। ईरान की सीमा पर बनने वाली ये दीवार 295 किलोमीटर लंबी है। पहले से ही लाखों सीरियाई शरणार्थी यहां रह रहे हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।